जो तीन सिंबल हैं ये तीनों पहाड़ियों को। गुड मॉर्निंग गिलगित बल्तिस्तान। हम गिलगित में आ चुके हैं और गिलगित में वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा सनशाइनी वाला, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो जो है पहाड़ है। और आज हमारे यहाँ पे पांचवा दिन है गिलगित में, वो टोटल ही आज हमारे पांच स्टे हो रहे हैं, पांचवा स्टे है। और आज हम जाएंगे नारान और रास्ते में कुछ जो पॉइंट रह गए थे अंधेरे की वजह, रात की वजह से, वो क्लियर करेंगे, वो विजिट करेंगे। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे इसको भी। बस वह PIE की फ्लाइट की इस समय एयरपोर्ट यहाँ पे, और ये PIE का छोटा सा त्यारा किल के सुबह पूरा डबल रोटी ले लें। हवा हवा तो नहीं इसे, जिले नंबर 5 स्टार्ट होने लगा है और आज हमारा ट्रैवल होगा नारायण की तरफ, बाबू से टाक बाहर के खाने का कि ये तो होता ही है, खांसी नज़ला ज़ुकाम और ऑयल चेंज की वजह से ज़्यादा इशू हो रहा है, क्योंकि ऑयल यहाँ के लोकल पता नहीं कैसे थे और उसकी वजह से रेशा ज़ुकाम नज़ला ये आम है यहाँ पे जब आप आते हैं ना, ख़ास तौर पर गला तो आपका डैमेज होता ही। आज हमने बाहर से ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिंपल हमने ली है डबल रोटी और चाय मंगवा के, डबल रोटी हमारे पास पड़ी हुई थी। पोटर से हम चेक आउट कर गए हैं और ये सारे कराची के लोग यहाँ बल्कि के टूरिस्ट ही आए हैं। अब हम जा रहे हैं वापस। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन तो कुछ ये तीनों उधर हो, ये तीन माउंटेन आपको नजर आ रहे हैं तीन रंग की, यहाँ पे दुनिया का ये वाहिद मुकाम है जहाँ पे तीन पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं, वो कराकरम, हिंदुकश, हिमालय। आप चलते हैं ऊपर, व्यू पॉइंट बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, ये फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। ऊपर से जो नज़ारा है उसका मज़ा ही कुछ और होगा। मैं तो गिरने लगा हूँ, दो हजार 2017 में काफी सेटअप बना के चेंज किया। और ये है वो मकान तीन जंक्शन का, लेक दो थी यहाँ पे बैठने के लिए भी काफी ज्यादा आपको मिल जाएंगे पॉइंट, आराम से बैठ सकते हैं। ये 2017 के बाद आया हूँ मैं यहाँ पे और अपडेट इन्होंने काफी कुछ किया है। ये है और दो दरिया यहाँ से मिलते हैं आपस में, एक गिलगित से आ रहा है और एक मेरा स्कर्टू से आ रहा है, ये स्कर्टू से आ रहा है और ये वाला गिलगित की तरफ से आ रहा है। और हमेशा की तरह पाकिस्तानी फ्लैग। रात के बाद जब हम जा रहे थे इसलिए नहीं बना सके क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह हमारा मेन फोकस था गिलगित में स्टे करने का और यही वजह कि यहाँ पे नहीं से रुक सके। वापसी का हमारा फुल प्लान है, बल्कि हो भी चुका है सक्सेस फुल, ये रुका है, लेकिन मेरे गला बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है आउटडोर खानों की वजह से और शायद ऑयल की वजह से हुआ, क्योंकि ऑयल इतना अच्छा नहीं था यहाँ पे, लोकल ऑयल थे तो उसकी वजह मसला बना। और ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं जिसको या दुनिया देख रहे हैं, और ये जो सीटिंग प्लान है ये हाल ही में लगता बनाए गए हैं, क्योंकि ये 2017 में नहीं थे, एक दो तीन, बाकी ट्रैक को भी उन्होंने अपग्रेड किया है। ये शायद नाइट व्यू के लिए, यहाँ पे नाइट व्यू काफ़ी अच्छा आता होगा और वो भी सीटिंग प्लान है, वहाँ से बैठ के नज़ारा देख सकते हैं। और मेरे पीछे जो सिंबल हैं ये तीनों पहाड़ियों को नॉमिनेट करते हैं, कराकरम, हिंदुकश और हिमालय।
तीनों इनके सिंबल के तो वैसे वर्किंग करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है। आगे अब वापसी है और चाहते हो मैं गिरा मतलब गिरने से बच गया। और ये अजी नांगा पर्वत 26,660 फीट हाइट की। लुक टू योर लेफ्ट माउंटेन नांगा पर्वत, इसका अदर नेम है किलर माउंटेन। और मेरे बिल्कुल सामने ये टोटल जो है ना बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है नांगा पर्वत का। तो जूम करके देखते हैं कहाँ जाता है। ये है नांगा पर्वत, 10x पे नजर आ रहा क्लियर। अब नीचे जा रहे हैं, ये है नांगा पर्वत। और 2017 ये है चिल्लास का एंट्रेंस का रास्ता। तकरीबन 3.5 घंटे हमें लगे हैं यहाँ पहुँचने में, 9:30 निकले, 12:30 हो चुके हैं। ये जो रोड है ना ये बड़ी लंबी है, यहाँ से जाना बेवकूफ़ इस टाइम हम जाएंगे, यहाँ से ओपन है और बाकी जो है ना वाशरूम करना है। बहुत ज़्यादा इलाका बहुत ही ज़बरदस्त है, फेमस है पहाड़ चिल्लास के पहाड़। बहुत गर्म है, गर्मी जोपन के साथ पड़ रही है यहाँ पे, बहुत तेज गर्मी है। और यहाँ पे आपको जगह जगह चेक पोस्ट मिलेगी क्योंकि ये रास्ता रात को बंद हो जाता है। और इधर देखता क्या हो रहा है। और ये गिलगित बल्तिस्तान का मैप, इस टाइम हम यहाँ पे चिल्लास एंटर होने लगे हैं। ये वो रास्ता जहाँ हाँ पर 5 बजे से पहले पहले आपको पहुँचना होता, नहीं तो ये बंद कर दिया जाता है किसी भी किस्म की टूरिज्म के लिए। और ये है जी हम एंटर हो गए क्योंकि हम पहुँच चुके हैं 12:30 के दरमियान, तो इसलिए हमारी एंट्री हो चुकी है। चलें जी, ये अब रास्ता है तकरीबन 41 किलोमीटर, उसके बाद आएगा बाबू सा टॉप। और ये है अल्लाह की कुदरत, 21 जून को यहाँ पे हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी बाबू सा टॉप पर। और आज आपके सामने बर्फ 3 दिन के अंदर पिघलनी शुरू हो गई। यही वो जगह जहाँ पे हम एक दूसरे को बर्फ मार रहे थे। और ये बाबूसा वो पॉइंट इस टाइम लोगों ने कवर किया उसको फुल, लेकिन ये आके यार उनके पास वाह कहाँ यो घूम रहे हो, छद्दी लग रही छद्दी छद्दी। यहाँ पे अभी झगड़ा हो गया आपस में, लोग लड़ रहे हैं, रोड सारी ब्लॉक हो गई एकदम। अब उनको चेक पोस्ट में ले गए हैं। इधर आया करो, हाँ मेरी इसको पकड़ना। ये हाँ जी 130 के फ्राइज, ये 100 की कॉफ़ी है और ये 100 की चाय है। और इतने ज़्यादा दे दिए ना शायद, और आलू जो है ना मीठे शहद है। लो जी चौधरी साहब सानू मिले ने साढ़े शहर के, गुजराने के। देखो बाबू साहब टॉप आए ने, जिथे लिखी है मिलना ही मिला, क्यों पाए ना। और ये लुलूसर लेक, इसको मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि ये वो झील है जहाँ से स्नोफॉल शुरू हुई थी। तो ये देखे आपके सामने, पीछे भी काफ़ी बड़ी है और कई किलोमीटर फैली हुई है, आगे तक चढ़ी है, कमाल का व्यू है यहाँ पे जरा। और सूरज जब पानी के ऊपर पड़ता है तो कितना प्यारा चमक रहा है, आप खुद देखें। रोड बहुत अच्छे बने, मेरे सामने ये टाइगर पीक है जो बड़ी खूबसूरत और बड़ी फेमस पीक है यहाँ की। और ये पूरी जो है ना बर्फ में ये लिपटी हुई है। और ये जी बटाकुंडी, बड़ा खूबसूरत सा इलाका है, रिसेंटली ये डेवलप हो रहा है, काफ़ी अच्छे होटल बने हुए हैं
और जो ग्रीन लैंड है वो बहुत ही खूबसूरत है, और इसके अलावा होटल बहुत अच्छे बन रहे, रोड बहुत अच्छी है। और अब हम स्टे करने लगे हैं बटाकुंडी, काफ़ी खूबसूरत ये इलाका है। और अब हम जा रहे हैं पंजाब टिक्का हाउस, सोच रहे हैं यहाँ ही शायद स्टे करें, यहाँ का देखते हैं कि रेंट क्या है होटल का। तो होटल का भी प्यारे हैं, इलाका बहुत खूबसूरत है पहाड़ों के अंदर है, और लगता है वॉल्स ने इसको स्पॉन्सर किया है। आई लव जो वो वॉल्स का डला हुआ है, आगे बटाकुंडी लिखा हुआ है। यहाँ में धूप बहुत तेज़ है, सीधी जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो रही है, मज़ा आ रहा है। गर्मी यहाँ पे है लेकिन हवा तेज़ चली गई, काम चल रहा है बटाकुंडी में। आज किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ चाय पी है क्योंकि तबीयत सबके खराब हो चुके हैं। नूर बटाकुंडी की कढ़ाई, बट कढ़ाई है नहीं, पंजाब पंजाब टिक्का कढ़ाई है, और टेस्ट में ये पूरा पंजाब का ही है, मज़े की है। और रेट ज़रा हाई फाई वाले हैं। और ये है पका कुंडी के ऊपर छोटा सा, आप बैठ के फोटोग्राफी कर सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं, धूप को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ये मेरी बेगम काट रही है, और ये अम्मा जान भी अब आ रही हैं, बैठ जाओ धूप सेक लो।